Hello students, in the previous section of the video we have done the design part of this attendance management application. Okay, and in this part we will do the code of this application so that the application can run. Okay, so first of all what we will do, here we see in any application, first of all we have to declare some variables. Okay, so here are some students like this Rohan, Sachin, Rita and Kanchan. These are the names of the students, so we have to declare them first of all. Okay, so what we will do, we will go to this variable and take this variable. Okay, and take this variable as a and take this block, drag and drop it here. Okay, our variable is this students. Okay, and we will write the student name over here. So see, because when we declare a variable, okay, when we declare a variable, it denotes to a single value. Okay, so this time we have to create an array. Okay, so to declare the number of students. See, array, first of all what is array? So array kya hota hai na, array hote hain hamare data containers, means yahan pe hum ek hi variable par hum kya karenge, ek se zyada, theek hai, hum values ko hum enter karna chahte hain to wahan pe hum array ka use karte hain. So hum yahan pe simply students ko ek variable नेम नहीं देंगे. अगर हम केवल एक ही वेरिएबल देंगे तो वो केवल एक ही स्टूडेंट को डिनोट करेगा. तो हम यहाँ पे एरे बनाएंगे. और देखिए एरे हम लिखते कैसे हैं. देखो बेसिकली जो एरे होते हैं वो हमारे दिस स्क्वायर ब्रैकेट में लिखे जाते हैं. दिस स्क्वायर ब्रैकेट वी विल राइट एरे. ठीक है, अब देखो क्या होगा, जो एरे होंगे ना, जो स्टूडेंट के नेम होंगे, जो यहाँ पे ईच स्टूडेंट के जो नेम है, वो सारे नेम्स क्या है, एक स्ट्रिंग की तरह वर्क कर रहे हैं. स्ट्रिंग्स होती हैं. स्ट्रिंग्स क्या होते हैं, जैसे कोई आपका वर्ड है, कोई आपका दैट, कोई आपका लाइक अल्फाबेट है, ये सारे के सारे चीज़ें क्या कहलाती हैं, आपकी स्ट्रिंग कहलाती है. ठीक है, एक ये एक एक टाइप का डेटा टाइप होता है. किसी का नेम है, किसी कंट्री का नेम है, किसी बुक का नेम है, तो जो भी आप यहाँ पे जो भी चीज़ आप यूज़ करोगे एज अ वेरिएबल, ठीक है, जो जैसे जो भी आपके नेम है वो सारे स्ट्रिंग कहलाएंगे. तो इसको आप डबल कोट्स में लिखते हैं. ओके, वी विल राइट दिस नेम एज रोहन एंड इसको हम क्लोज करेंगे डबल इन्वर्टेड कॉमा से. देन द नेक्स्ट नेम इज दैट सचिन, इसको भी हम डबल कोट्स में क्लोज करेंगे. देन नेक्स्ट नेम इज रीता. ओके, एंड देन कंचन. ओके, सो इन दिस वे हम जो ये वेरिएबल्स हैं, इन सभी को हम क्या करेंगे, इन सभी को हम डिक्लेयर करेंगे. ओके, सो नाउ वी हैव डिक्लेयर्ड दीज वेरिएबल्स. ओके, इसके बाद हम क्या करेंगे, सी इसके बाद हम क्या करेंगे, एक एम्प्टी, दो एम्प्टी एरे बनाएंगे, बिकॉज ये तो हमारे टोटल स्टूडेंट्स हैं, राइट. तो क्या होगा कि जो हम एप्लीकेशन बनाने जा रहे हैं उसमें हम दो एम्प्टी एरे बनाएंगे, एक प्रेजेंट स्टूडेंट के लिए, दूसरा एब्सेंट स्टूडेंट के लिए. सी हम ऐसा क्यों करते हैं, हम ऐसा इसलिए करते हैं बिकॉज देखिए होता क्या है कि जो भी आपके प्रेजेंट स्टूडेंट होते हैं वो सारे के सारे आपके प्रेजेंट क्या होगा कि आपके प्रेजेंट वाले एरे पे चले जाएंगे, तो वहाँ पे सेव हो जाएंगे और वो वैल्यू हमें शो होंगी. और जितने एब्सेंट स्टूडेंट्स होंगे वो सारे एब्सेंट वाले एरे में क्या हो जाएंगे, शो होंगे. ठीक है, तो वेरिएबल क्या है, वेरिएबल इज प्रेजेंट. ओके, प्रेजेंट क्योंकि यहाँ पे कोई भी स्टूडेंट नहीं है और जो एरे है वो हम किस में लिखते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिखते हैं, लाइक दिस. ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, एक वेरिएबल बन गया प्रेजेंट का, हमने वेरिएबल बना दिया. सिमिलरली हम एक दूसरा एक और हम वेरिएबल बनाएंगे जिसको हम बोलेंगे किसका, एब्सेंट का. ठीक है, एब्सेंट, एंड ये भी हमारा एम्प्टी एरे है तो उसको भी हम किसमें दिखाएंगे, स्क्वायर ब्रैकेट्स में शो करेंगे. ओके, सो वी हैव डिफाइंड, वी हैव डिक्लेयर्ड
वेरिएबल। ओके, इसके बाद हम क्या करेंगे, अब हम अपने एप्लीकेशन पे जाते हैं। तो सबसे पहले कहाँ जाएंगे, होम स्क्रीन पे। सी यहाँ पे क्या करना है हमको, जब इस देखिए अभी हमारी अटेंडेंस मैनेजमेंट ऐप का क्या है, ये होम स्क्रीन है, ठीक है। तो वी वांट कि जब हम इसमें क्लिक में हम जब ये क्लिक बटन में हम जब हम क्लिक करें तो ये कहाँ चले जाए, ये चले जाए कहाँ पर, दिस अटेंडेंस स्क्रीन पर ये शो हो। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम एक इवेंट लेंगे। देखिए इस बटन पे क्लिक करना एक इवेंट कहलाता है, ठीक है। तो हम इसमें जाएंगे, इस ब्लॉक में जाएंगे, यूआई कंट्रोल पे जाएंगे और यहाँ से ऑन इवेंट हम यहाँ से लेंगे, ठीक है। ऑन इवेंट, ऑन इवेंट, इवेंट किस पे करना है हमने, इस क्लिक मी पे करना है, जो क्लिक मी की आईडी है दिस बटन वन, ठीक है। तो हम जाएंगे क्लिक मी पे और यहाँ से हम बटन वन को सिलेक्ट कर लेंगे। ओके, बटन वन, वी हैव टू जस्ट सर्च दिस बटन वन, दिस इज द बटन वन। ओके, बटन वन पे क्लिक करेंगे। अब क्लिक करके हमें क्या करना है, वी वॉन्ट टू चेंज द स्क्रीन। ओके, वी वॉन्ट टू सेट द स्क्रीन। तो यहाँ पर आप, यू कैन सी, यहाँ पर आप देख सकते हो एक सेट स्क्रीन का, आप सेट स्क्रीन का क्या है, ब्लॉक है। सो वी विल ड्रैग इट एंड ड्रॉप इट हेयर, ठीक है, सेट स्क्रीन। अब सेट स्क्रीन, कौन सी स्क्रीन सेट करनी है हमने, वी वॉन्ट कि जब हम इस क्लिक बटन पे हम क्लिक करें, इस बटन पे हम क्लिक करें तो स्क्रीन कौन सी हो जाए, अटेंडेंस की स्क्रीन हो जाए, ठीक है। सो इस इतने कोड को हम रन करके एक बार हम देख लेते हैं, क्लिक मी, देन इट इज शोइंग द अटेंडेंस स्क्रीन। सो हमारा यहाँ तक का हमारा जो कोड है दैट इज ऑल राइट। ओके, नाउ अब क्या करेंगे, अब हम इस स्क्रीन के लिए कोड बनाएंगे। पहली स्क्रीन के लिए कोड हमारा बन चुका है। ओके, अब देखिए, अब क्या है ना, समटाइम्स वी यूज द कमेंट, कमेंट के यूज करते हैं। अब देखो हमारा ये वाला काम तो हो चुका है, हमारा फर्स्ट काम हो चुका है, कमेंट हम करते हैं किसी भी चीज़ को डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए, ठीक है। तो हम ऐसा करते हैं, पहले हम लिखेंगे कोड सारे। देखो जो हमारी फाइनल स्क्रीन है, जो हमारी स्क्रीन है वहाँ पर कितनी स्क्रीन है, तीन स्क्रीन है। फाइनल स्क्रीन पे यहाँ पे प्रेजेंट स्टूडेंट्स के दिखेंगे और यहाँ पे एबसेंट। तो हमें प्रेजेंट स्टूडेंट के लिए अलग से कोड बनाना पड़ेगा और एबसेंट के लिए अलग से, ठीक है। तो यहाँ पर हम एक काम करते हैं, पहले हम जो कोड बनाते हैं वो हम बनाते हैं किसके लिए, प्रेजेंट स्टूडेंट के लिए, कोड फॉर प्रेजेंट स्टूडेंट, ठीक है। ओके, तो अब देखो होगा क्या, सी हम जाते हैं फिर से इस अटेंडेंस स्क्रीन पे, क्योंकि हमने इसके लिए अब कोडिंग करनी है, ठीक है। ओके, अब देखो जब क्या होगा, प्रेजेंट, प्रेजेंट कब होगा, जब जैसे सपोज रोहन के लिए हम ऐसे काम, पहले हम रोहन के लिए कोड बनाएंगे, फिर सचिन के लिए बनाएंगे, रीता के लिए बनाएंगे, देन कंचन के लिए बनाएंगे, ठीक है। तो क्या होगा, जब हम प्रेजेंट वन, देखो इसकी जो आईडी है हमने इस तरीके से दे रखे हैं, इसके जो हमने नाम दे रखे ना, बटन 1 2 3 4, ठीक है, ऐसे लेबल, दिस इज टेक्स्ट इनपुट 1 2 3 4, इस तरीके से दे रखे हैं, और ये प्रेजेंट 1 2 3 4 इस तरीके से हमने दे रखे हैं, ठीक है। तो क्या होगा, देखो अब रोहन को प्रेजेंट करने के लिए हमें, जब जैसे हम इस टिक पे क्लिक करेंगे वैसे यहाँ पे दिखाएगा रोहन प्रेजेंट है, ठीक हो गया। और साथ ही साथ क्या होगा, ये जो आपका क्रॉस वाला बटन है, ये दोनों बटन डिसअपियर होंगे। क्या होगा, इस पे जैसे हम क्लिक करेंगे यहाँ पे दिखाएंगे रोहन, अगर क्योंकि हम राइट पे क्लिक कर रहे थे तो प्रेजेंट दिखाएंगे और ये दोनों बटन क्या होंगे, यहाँ से डिसअपियर हो जाएंगे, ठीक है। तो हम इसके लिए काम करेंगे, तो इसके लिए भी हमने क्या करना है, बटन पे क्लिक करना है। बटन पे क्लिक करने का मतलब क्या है, एक इवेंट हो रहा है, ठीक है। सो वी विल ड्रैग दिस कोड, दिस ब्लॉक, ओके। सो यहाँ पे क्या होगा, ऑन इवेंट। अब इवेंट क्या होगा, अब देखो इसके ऊपर हमें कर्सर को अगर होवर करते हो तो दिख रहा है आईडी की है प्रेजेंट वन, ठीक है। ऑन इवेंट, इवेंट, इवेंट किस पे होना है हमारा, प्रेजेंट वन पर। ऑन इवेंट प्रेजेंट वन, प्रेजेंट वन पे क्लिक होगा तो क्या होगा, देखो अब होता क्या है, जैसे हम इस पे क्लिक करेंगे तो जो वेरिएबल, जो प्रेजेंट का जो ये एरे है ना, इस पे किसके लिए, हम रोहन के लिए कर रहे हैं ना कोड, ठीक है, रोहन के लिए कोड कर रहे हैं। तो प्रेजेंट वाले एरे पे हम ये चाहेंगे कि रोहन क्या हो जाए, ऐड हो जाए। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, अपेंड। अपेंड मतलब क्या होता है, जो भी हमारा डेटा होता है उसके लास्ट में क्या करते हैं, हम वैल्यू को ऐड कर देते हैं, वही अपेंड कहलाता है ना, राइट। तो हम क्या करेंगे इसमें, अपेंड करेंगे, ठीक है। तो जैसे हम क्या करेंगे, देखिए अपेंड आइटम, ओके, वी विल टेक दिस अपेंड आइटम। जैसे हम प्रेजेंट वन पे यहाँ पे क्लिक करेंगे, इस यहाँ पे क्लिक करने का मतलब है कि रोहन प्रेजेंट है, तो हमको क्या चाहिए कि अपेंड, जो ये लिस्ट है, ठीक है, लिस्ट कौन सी, प्रेजेंट वाली लिस्ट, लिस्ट बोलो या एरे बोलो, बोथ 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 द थिंग्स आर सेम। जो आपका बेसिकली जो आपकी लिस्ट होता है, एक टाइप का एरे ही होता है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, लिस्ट है ना, स्टूडेंट्स की लिस्ट।
तो अपेंड आइटम कौन सी लिस्ट पे? प्रेजेंट पे। अब देखिए आपको एक और चीज ध्यान में रखनी है, जैसे प्रेजेंट का पी अगर कैपिटल है, यू हैव टू राइट ओवर हियर पी एस कैपिटल। ओके, अपेंड आइटम, अपेंड आइटम क्या अपेंड आइटम करेगा? इट विल अपेंड रोहन। ओके, इट विल अपेंड रोहन इन द प्रेजेंट। ओके, इसमें प्रेजेंट पे क्या करेगा वो? रोहन को डेट ऐड कर देगा, अपेंड कर देगा। और साथ ही साथ क्या करेगा, देखिए जैसे आप इस पर क्लिक करोगे, देखो यहाँ पे जब प्रेजेंट आपका आएगा तो ये और ये दोनों जो आपके बॉक्सेस हैं, ये दोनों आपके जो इमेजेस हैं, ये क्या हो जाएंगे, यहाँ से क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, देन व्हाट वी विल डू, हम इसको हाइड करेंगे। अब देखो ये भी क्या है, एक एक टाइप से क्या है, यूजर इंटरफेस कंट्रोल है। सो वी विल गो दिस यूजर इंटरफेस कंट्रोल, ओके, एंड वी विल फ्लैग दिस हाइड। ओके, वी विल फ्लैग दिस दैट हाइड द एलिमेंट। ओके ओके, दिस हाइड एलिमेंट। ओके, हाइड एलिमेंट, वी विल ड्रैग दिस हाइड एलिमेंट, विच एलिमेंट, दिस प्रेजेंट वन एंड एबसेंट वन। ओके, दिस प्रेजेंट वन विल बी हाइड and next the hide element present 2. okay, this sorry the hide element absent 2. there is absent 2. wait, absent, sorry, absent 1. okay, so it will append the present in the present array Rohan, means it will add the Rohan to this present array and hide both these elements. okay, and we want to see present written over here. Okay, we want to see, so this is input, this is text input 1. So what we want to set text. Okay, we will go to set text. Okay, similarly what will happen, we want to set text to which, to this text input 1, which text we want. If it is present, we want this as present. Okay, and we want this. Okay, similarly we will do the code for Sachin, Rita and this Kanchan. Okay, we will do this. Similarly, we have done the code for Sachin, Rita and Kanchan. You can see, okay? See, when we run this app, click on click me. When we click this present 1, present 2 and present 3, you can see, okay? We haven't done the code for Kanchan yet, okay? Now we will do this for Kanchan. We have done for all the three. तो सिमिलरली हम क्या करेंगे, यूजर यूआई कंट्रोल पे जाएंगे, ऑन इवेंट विल टेक दिस ऑन इवेंट। ओके, सो द आईडी इज, व्हाट इज द आईडी, आईडी इज दिस बटन 4, सॉरी द आईडी इज दिस प्रेजेंट 4। ओके, जब हम प्रेजेंट 4 को क्लिक करेंगे, बिकॉज वी आर क्रिएटिंग द कोड फॉर प्रेजेंट स्टूडेंट, प्रेजेंट 4 को जब क्लिक करेंगे तो क्या होगा, अपेंड होगा सबसे पहले। ठीक है, क्या होगा, जो भी जो जो कंचन का जो वैल्यू है वो कहाँ पे अपेंड हो जाएगा, दैट विल बी अपेंड इनटू द प्रेजेंट एरे। तो यहाँ पे हम वैल्यू देंगे इसको प्रेजेंट, और क्या क्या अपेंड होगा वहाँ पर प्रेजेंट अपेंड होगा कंचन। और साथ ही साथ क्या होगा, इसमें यूआई कंट्रोल से हम क्या करेंगे, हाइड करेंगे एलिमेंट को, कौन कौन सा एलिमेंट, दिस प्रेजेंट 1, सॉरी प्रेजेंट 4, एब्सेंट 4, एंड क्या होगा, और जो उसका टेक्स्ट है, जो उसका सेट जो टेक्स्ट है वो क्या हो जाएगा, सेट टेक्स्ट हो जाएगा दैट प्रेजेंट। ओके, चूज दिस हाइड एलिमेंट प्रेजेंट 4 एंड हाइड एलिमेंट दिस एब्सेंट 4, okay, and set text input 4 as present.
सिमिलरली हम क्या करेंगे, जैसे हमने प्रेजेंट स्टूडेंट के लिए कोड बनाया, वैसे ही हम एब्सेंट स्टूडेंट का कोड बनाएंगे। ओके सो इन दिस वे हम बच्चों के जो भी प्रेजेंट और एब्सेंट हैं सभी का हम कोड यहाँ पे क्रिएट कर लेंगे। ओके सो इसके बाद क्या है कि जैसे देखिए अटेंडेंस स्क्रीन पे आने के बाद इन सभी की अटेंडेंस को प्रेजेंट और एब्सेंट देने के बाद हमें क्या करना है, सबमिट बटन पे क्लिक करना है। ओके सो क्या होगा, व्हेन वी क्लिक ऑन दिस सबमिट बटन, सो यहाँ पे हम एक कमेंट लिख लेते हैं। ओके व्हेन वी क्लिक ऑन दिस सबमिट बटन, सबमिट बटन नेविगेट टू फाइनल स्क्रीन। ओके सो क्या होगा, सो आपको यू नो दैट हम यूआई कंट्रोल पे जाएंगे एंड ऑन इवेंट वी विल टेक दिस ऑन इवेंट व्हाट आईडी, आईडी ऑफ दिस सबमिट बटन इज सबमिट बटन। ओके इट इज सबमिट बटन, जस्ट दिस सबमिट बटन। ओके व्हेन वी क्लिक दिस सेट स्क्रीन फाइनल स्क्रीन, ओके वी विल सेट द स्क्रीन एज फाइनल स्क्रीन, हियर इट इज। ओके फाइनल स्क्रीन दिस वन। ओके एंड इन दिस स्क्रीन व्हाट आर द एलिमेंट्स इन फाइनल स्क्रीन एंड व्हाट वी वांट दैट सेट टेक्स्ट इन दिस टेक्स्ट एरिया, we want the present array to be text to be set here and absent array here. Okay, but which array in which we have append the these all items, these array we want that this present array should show here and this absent is here. Okay, so what we will do, we will set text in this area. Okay, we will take this set text block from here, this set text. Okay, set text in which id, in this present text area which text we want present over here. And we again drag this set text and we want that the absent text area, at the absent text area it should show the absent list, means the absent variable array which we have declared. Okay so in this way we have done the application and the code of this attendance application. Then when we click when we run this application and click on this click me, and when we give the attendance like this, okay, when we submit the button, oh there is some error, it is showing present and absent over here. Okay wait, we have just used this double quotes over here, so don't use them, because if when you are using this double quotes it is just showing this text. Okay, ye aapko wo text dikhayega, agar aap double quotes use nahi karenge to ye kya dikhayega, jo humne variable upar declare kare hain unki values dikhayega. Theek hai, present mein jo bacche present hai, absent mein jo bacche absent hai unki values dikhayega. Okay, again run this code. Okay, run and click on this click me and give the present and absent student list. Okay, and submit this button. You can see the name are shown here. Okay, thank you. Yeah, here is one more problem, it is showing two times this Rita, because in this code here instead of
सचिन आई हैव रिटन रीता, नाउ आई हैव करेक्टेड इट, ओके. नाउ व्हेन आई विल रन दिस इट विल शो मी द एग्जैक्ट रिजल्ट. ओके, व्हेन आई विल सबमिट इट यू कैन सी रोहन एंड सचिन आर प्रेजेंट एंड रीता एंड कंचन आर एब्सेंट. सो दिस इज ऑल अबाउट द कोड ऑफ दिस एप्लीकेशन.